साथियों, आज गांव की ठाणा में डांडा गोत्र और डांडा खाप के प्रवक्ता और गणमान्य लोग बैठे हैं। आइए इनसे जानते हैं डांडा गोत्र के इतिहास की जानकारी। मेरा नाम सुनील आर्य है, मैं उपप्रधान हूँ डांडा खाप का और गांव की ठाणा है। डांडा गोत्र की जैसे गोत्र व्यवस्था है, डांडा गोत्र की उत्पत्ति भी आज से ईस्वी पूर्व 400 वर्ष पूर्व की है। जैसे महर्षि पतंजलि का एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसमें इस गोत्र का जिक्र है। पहले गणराज्यों का सिस्टम था, हमारा भी एक गण था। तो उसी प्रकार से राजस्थान में जैसे अन्य अनेक गणतंत्र थे, छोटे छोटे गणराज्य थे, उसी प्रकार से हमारा भी एक गणराज्य था। ये सीकर और चूरू जो संभाग है राजस्थान में, वहाँ पर छापर नामक एक जगह है, द्रोणपुर छापर, वो हमारी राजधानियाँ थी। लगभग जैसे कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास लिखा, उसमें भी पृष्ठ 140 पर लिख रखा है कि भाई द्रोणपुर छापर को राजधानी बना करके डांडो ने यहाँ पर लगभग 1400 गांवों पर शासन कराया। ये प्रगना था। और सुरजन डांडा के पांचवें जो वंशज थे माहिल, उसी माहिल से उस क्षेत्र का नाम मोहिलवाटी था। और इस प्रकार से डांडों को जो है महला, महलान, महलावत भी माइल के वंशजों को कहा जाने लगा। मूल गोत्र हमारा जो है डांडा है, उसके शाखा गोत्र मलान है, कहीं पर महलान लिख देते हैं, महलावत, महला है, जैसे ये सारे एक ही शाखा के जो है एक ही गोत्र है ये। वहाँ से द्रोणपुर छापर से जो है जब बीकानेर स्टेट की स्थापना हुई, उस समय इधर उधर सारे के सारे गणतंत्रों का विनाश हो गया और राजतंत्र स्थापित हो गया। तो जैसे अपूनिया है और भी अन्य अन्य गोत्र हैं, तो जैसे वो इधर आए हरियाणा की तरफ, तो द्रोणपुर छापर से हमारे बुजुर्ग भी हरियाणा में आ गए। तो जैसे हमारे बड़े गांव हैं, धनोरी है, मिर्जपुर है, उन गांवों से अन्य गांवों में निकासी हमारी है। मिर्जपुर गांव में हमारे दो बुजुर्ग आए, उनमें से उन्होंने मिर्जपुर गांव बसाया। उनमें से एक बुजुर्ग का नाम था उद्दा। उस उद्दा के जो है चौथे पांचवें वंशज ने हमारा गांव किठाणा बसाया। और उनमें से जो उद्दा का एक भाई था वो मिर्जपुर रह गया। वहां पर नार है, पदार्थ है, चार पांच जो है आज भी पन्नों के नाम मिर्जपुर में उसी प्रकार से हैं। और उद्दा के एक वंशज थे मूसा, उनके भी अगले वंशजों ने गांव की ठाणा को बसाने का काम किया। फिर यहाँ पर उनके दो लड़के थे, एक का नाम था गाला, दूसरा का नाम था जो है नथा, और उनकी एक बहन थी नथो। तो उन तीनों ने जो है गांव की ठाणा की इसकी स्थापना की और उसी के नाम से आज हमारे दो पन्ने हैं। बड़ा पन्ना है गाला पट्टी और छोटा पन्ना है नथवाण पट्टी, नथा के जो वंशज हैं। और उनकी जो सिस्टर थी उनमें से ही आज एक वो बड़ौदा ब्याह रखी थी, उनमें से ही हमारी एक देहली पे है जो उस कन्या के वंशज हैं, मतलब तो वो चैल हैं, एक पट्टी हमारा उनकी भी है। तो इस प्रकार से मिर्जपुर हमारा और धनोरी बड़े गांव हैं। धनोरी भी जो हमारा एक बुज़ुर्ग था दूढ़ी दादा, उसने जो है उसी के वंशजों ने आज धनोरी बसाई। और मिर्जपुर गांव से भी लगभग 88 गांव का निकास है। जैसे मिर्जपुर गांव से आगे चल करके वहाँ डांडा खेड़ी है, सुंदरपुर बरा, और क्या नाम है ये संगतपुरा, और आगे ये सारे के सारे गतौली, इन सारे कई है, पानीपत में ग्वालड़ा है, और क्या नाम है यमुनानगर में कंडरौली है, भगवानगढ़ है। इस प्रकार से 88 गांवों की स्थापना हुई। फिर किठाणा गांव से, गांव संदलखेड़ी है, कुलतारण है, बैंसी माजरा है, ये जो है गांव किठाणा से हैं। इस प्रकार से लगभग 142 गांवों में हरियाणा के, मैं इससे भी अधिक होगा, 142 गांवों की हमें जानकारी है, उनमें डांडा गोत्र का विस्तार है। हरियाणा के साथ साथ किन राज्यों में डांडा गोत्र के लोग बसते हैं? हरियाणा के साथ साथ मूलतः जो है राजस्थान में मैला और मावलिया के नाम से जो है ख्यात हैं।
आज सीकर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा गांव हैं, झुंझुनू में हैं, डांडों के काफ़ी गांव हैं, साथ लगता जो राज्य है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मथुरा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो है डांडा गोत्र के लोग आज निवास करते हैं। डांडा गोत्र का राजनीति का वर्चस्व क्या कुछ रहा है? पुराने जो है गणराज्यों के समय से ही जो है शासक गोत्र था ये, वहाँ पर इनकी राजधानी थी छापड़ द्रोणपुर। यहाँ आने के बाद भी जैसे राजनीतिक चेतना बढ़ी, लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो लोकतंत्र की स्थापना के बाद 1957 का जो दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ, जब पंजाब था, हरियाणा पंजाब इकट्ठा था, तो हमारा जो बड़ा दादा था गाला, उन्हीं के वंशजों में से जो है एक था चौधरी बारूराम डांडा। वो 1957 में उस समय कांग्रेस के अलावा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कोई राजनीतिक दल खड़ा होने की भी, तो वो जो है इंडिपेंडेंट विधायक बने चौधरी बारूराम डांडा जी 1957 में गांव की ठाणा से ही। उसके बाद यही हमारा जो छोटा गांव है संदलखेड़ी, खेड़ी सिंबल वाली जिसको बोलते हैं, वहाँ चौधरी नरसिंह डांडा जी जो है दो तीन बार विधायक बने, कैबिनेट मंत्री भी बने। आगे आप उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए चौधरी नरसिंह डांडा जी की धर्मपत्नी हैं कमलेश डांडा जी, वो अब कलायत विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वर्तमान हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं। उधर जुलाना से वर्तमान में विधायक हैं अमरजीत डांडा जी, जो हमारे खरक राम जी गांव से हैं। कई गांव है हमारा, बड़ा गांव पानीपत में, उधर से ही जो है मैडम प्रेमलता जी जो चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी है, ये भी जो है हमारी बुआ है एक प्रकार से, जो है हमारे गोत्र की है और ये विधायक रही उचाणा से। और अभी पानीपत ग्रामीण से जो है महिपाल डांडा जी दूसरी बार उस कॉन्स्टिट्युएंसी को लीड कर रहे हैं। उससे पहले ही भी जो इसार लोकसभा क्षेत्र था, उस इसार लोकसभा क्षेत्र से चौधरी सुरेंद्र सिंह डांडा थे, जो बरवाड़ा जी सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा लिखते हैं, वो हमारे संगतपुरा गांव से हैं। उन्होंने भी इसार लोकसभा को दो बार जो है लीड किया, सांसद बनने का काम किया दो बार। और उससे पहले भी चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट में हमारा कंडरौली गांव है, जिसके बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं आर्य समाजी हैं जस्टिस प्रीतम पाल जी, हरियाणा के पहले लोकपाल भी थे। उसी गांव से चौधरी वेदपाल जी भी डिप्टी स्पीकर थे हरियाणा विधानसभा में, और बंसीलाल सरकार में पंचायत और विकास मंत्री थे चौधरी कमल सिंह जी। और भी एक आध योगदान होगा, मेरे को इनकी जानकारी है। तो इस प्रकार से हरियाणा का लगभग ऐसा कोई विधानसभा या मतलब लोकसभा नहीं तो हमारे गोत्र के एक दो व्यक्ति जो है लीड करते ही रहे हैं। पिछले साल नवंबर में जो है हमारे ही गांव में डांडा खाप के जो है 150 गांव ने एकत्रित होने का जो है बीड़ा उठाया और यहां पर एकत्रित हुए, और उसके अंदर ही डांडा खाप की स्थापना की। और हमारा बड़ा गांव है मिर्ज़पुर, उससे बड़े प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व के धनी हैं चौधरी देवव्रत डांडा जी, वो हमारी आज डांडा खाप के वर्तमान में प्रधान हैं और हर वर्ष पिछली साल से जो है सम्मेलन करने का काम करते हैं। पिछली बार किठाना में था और अब की बार जो है अभी मार्च में गांव मिर्ज़पुर में डांडा सम्मेलन था, तो हर अगले वर्ष जो है धनोरी गांव में डांडों का जो है सम्मेलन होगा, उससे अगली बार खरक राम जी में होगा, जो पहले से ही तय कर दिया जाता है सम्मेलन में ही। तो हर वर्ष जो है सामाजिक सुधार के लिए डांडा गोत्र जो है वार्षिक सम्मेलन करता है। पिछले साल जब सम्मेलन हुआ तो ये आवश्यकता महसूस हुई कि भी जैसे अन्य गोत्रों के भवन हैं, तो डांडा गोत्र का भी जो है एक चबूतरा या जो है मल्टी यूज़ का भवन होना चाहिए, जहां पर सार्वजनिक फैसले लिए जाएं। तो गांव की ठाणा को जो सेंटर में है, तो उसको इस काम के लिए हमारे गांव को चुना गया। हम इसके लिए सारी खाप के आभारी भी हैं, डांडा खाप के सारे गांव के। तो ये लगभग 2.25 एकड़ में यहां पर जींद कैथल रोड पर डांडा भवन का निर्माण किया जाएगा। तो साथियों, अगर हमारे साथ और अधिक सामाजिक जानकारियों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।